फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। ऑल टाइम न्यू में आपका स्वागत है। हम आज वेस्ट पर्दे के कपड़े का रीयूज़ करेंगे, इसलिए 9 इंचेस पे ऐसे मार्क कर लेंगे, देखिए, और वहाँ से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसे फोल्ड कीजिए और देखिए इस तरीके से 0.6 इंचेस पे ऐसे मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद ऐसे राउंड शेप दे दीजिए। राउंड शेप देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे दो पार्ट कट करने हैं। अब इसी के नाप से हम फॉर्म कट करेंगे, नॉन वन कट करेंगे। नॉन वन अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी वेस्ट शॉपिंग बैग से घर पे आसानी से इसे बना सकते हैं। अब हमने नॉन वन को इस तरीके से शॉपिंग बैग को जोड़ लिया है और शॉपिंग बैग का यूज़ करके हम कुछ हटके बना सकते हैं। दोनों पार्ट में हमने शॉपिंग बैग जोड़ लिया, इसे यहाँ से फोल्ड कीजिए और यहाँ पे कट लगा लीजिए। कट लगाने के बाद आपको क्या करना है, 2 इंचेस ऊपर आ रहा है, हमने कटिंग की है वो, और यहाँ पे जिप को उल्टा रख के स्टिच करें और फिर करें प्रेस स्टिच। ऐसे कर लीजिए प्रेस स्टिच। और फिर आपको क्या करना है, ऊपर का पार्ट है जिसे आपको स्टिच कर लेना है। ऊपर का पार्ट स्टिच हो जाए उसके बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लीजिए और यहाँ पे आपको रनर पे ध्यान रखना है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कट कर लीजिए और इसमें इसी के नाप से आप शॉपिंग बैग का कपड़ा कट कर लीजिए और जो एक्स्ट्रा है वो कट कर लीजिए स्टिच करके जोड़ने के बाद। तो यहाँ पे एक पॉकेट हो जाएगा। पॉकेट करने के बाद दो पार्ट हमें, तो यहाँ पे दो पार्ट ऐसे लेके इसे सेंटर से कट कर लीजिएगा इस तरीके से। ये 14x3 इंचेस के हैं। कट करने के बाद ये 14x3 इंचेस के हो रहे हैं। अब हम इसे फोल्ड करके बेल्ट बना लेंगे। बेल्ट बन जाए उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर में नोचिस लगा लीजिए या फिर मार्क कर लीजिए। देखिए इस तरीके से हम 2 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और ये हैंडल को अटैच कर लेंगे। आप हैंडल को अटैच करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा ऐसे लग रहा है ना वो कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये कपड़ा ले लिया है जिसे ना हमें इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करना है। और इसे ना आपको क्या करना है, देखिए शॉपिंग बैग का जो बचा हुआ पार्ट है उसके ऊपर रख के इसी के नाप से कट कर लीजिए और इसे स्टिच करके जोड़ लेना है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इसमें एक नोचिस लगा लेना है सेंटर में और फिर ये जो मेन पार्ट है ना बैग का उसमें भी नोचिस लगा लीजिए। और जो बॉर्डर हम यूज़ कर रहे हैं ना उसमें आमने सामने सेंटर में नोचिस लगाएं और देखिए इस तरीके से आपको स्टिच करके जोड़ लीजिए। ये देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ऊपर आपको थोड़ा सा खुला छोड़ना है ताकि ऊपर का जो पार्ट हम कट करें वो उसके साथ आसानी से जोड़ सके। अब यहाँ पे देखिए ऊपर के लिए हमने नाप लेके बॉर्डर ले लिया है, जो एक्स्ट्रा था वो कट कर लिया। अब हम इसे भी शॉपिंग बैग के नाप से कट कर लेंगे, इसे स्टिच करके जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पे जिप को अटैच करेंगे, इसीलिए सेंटर से हमें कट लगा लेना है। सेंटर में कट लगाने के बाद इसी के नाप से जिप लीजिए और इसे उल्टा रख के स्टिच करें, फिर इसे प्रेस स्टिच कर लीजिए और यहाँ पे दूसरा पार्ट अटैच कीजिए। और यहाँ पे टॉप स्टिच कर लीजिए और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो कट कर लीजिए, फिनिशिंग अच्छी हो जाएगी। अब देखिए जिप वाला पार्ट और हमने नीचे बॉर्डर अटैच किया है उसे जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद यहाँ से लेके आपको यहाँ तक स्टिच करना है। देखिए ऐसे आप स्टिच करते जाइए तो आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि ये हमने वेस्ट क्लॉथ से बनाया है। देखिए वेस्ट पर्दे से, वेस्ट शॉपिंग बैग से हमने कितना प्रिटी सा बैग बना लेंगे। यहाँ पे हमने पूरे राउंड में स्टिच किया, अब जिप वाला पार्ट और बॉर्डर वाला पार्ट स्टिच कर लिया है, जोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पे हल्का सा खुला रहेगा वो हम स्टिच करके पैक कर लेंगे।
अब बारी आती है फ्रंट पार्ट की, तो इसे ना आपको इसके ऊपर उल्टा रखिए, कॉर्नर से पकड़ना है आपको और पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है, ठीक है। अब आप यहाँ से सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारी बैग टू पॉकेट वाली, बहुत सारे पेच वाली, बहुत ही ब्यूटीफुल सी बैग रेडी है। किसी को पता भी नहीं चलेगा ये शॉपिंग बैग से बनी है। चलिए ऐसे आइडिया के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत, वंदे मातरम।